ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। WHO द्वारा 11 मार्च को कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने से जहां पूरे विश्व में कोरोना का खौफ छा रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर द्वारा CMO डॉक्टर अर्चना सोनी की अध्यक्षता में केमिस्ट एसोसिएशन के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी केमिस्ट को कहा गया कि यदि दुकान में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दे ताकि समय रहते स्वास्थ्य विभाग आगे की कार्रवाई कर सके। WHO द्वारा 11 मार्च को कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने से जहां पूरे विश्व में कोरोना का खौफ छा रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर द्वारा CMO डॉक्टर अर्चना सोनी की अध्यक्षता में केमिस्ट एसोसिएशन के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी केमिस्ट को कहा गया कि यदि दुकान में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दे ताकि समय रहते स्वास्थ्य विभाग आगे की कार्यवाही कर सके, और साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए भी जागरूक करने को कहा गया। CMO हमीरपुर डॉक्टर अर्चना सोनी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसको लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रकार के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। हमारे पॉजिटिव केस, उसके लिए गवर्नमेंट ने दो जगह डिसाइड किया है, एक टांडा मेडिकल कॉलेज और एक IGMC। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन हो चुकी है। पैनिक की कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमारी हेल्थ स्वास्थ्य विभाग की पूरी कोशिश है और हम पूरे दिन रात रादर 24/7 हम नजर रखे हुए हैं कि कहीं भी कुछ हमें लगता है, सस्पेक्ट लगता है या कुछ ऐसा लगता है कि जहां इसको ऑब्जर्वेशन पे रखने की जरूरत है तो हम उनको उस ढंग से वर्कअप कर रहे हैं। क्लासेस बंद हो चुके हैं, मतलब मैक्सिमम देखा जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो चुके हैं, पर डॉक्टर्स तो हमेशा 24/7 ड्यूटी पर हैं, तो उनको थोड़ी प्रोटेक्शन है, उसके लिए हम ग्लव्स, मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम अधिकारी सतीश शुक्ला ने बताया कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक होने की जरूरत है, न कि उससे डरने की। उन्होंने कहा कि कोरोना को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 11 मार्च को महामारी घोषित किया गया है, लेकिन लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी लोग हाथों को लिक्विड सोप से ही धोएं। बेसिकली जो आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह कोरोना बीमारी को, आजकल आप देख रहे हैं हर जगह कोरोना बीमारी को लेके कई तरह की बातें चल रही है, और उसमें निस्संदेह कई लोगों को इन चीज़ों का पता है और कुछ लोग जो वो पैनिक हैं, घबराए हैं। तो वो यहाँ जिला हमीरपुर में हमारे CMO डॉक्टर अर्चना सोनी की अध्यक्षता में या डायरेक्शन में जिस तरह से जो कार्य योजना हमने तैयार की है, उसमें सबसे पहली बात हूँ कि जो राष्ट्रीय स्तर पे राज्य में हमारा एक ट्रेनिंग हुआ स्टाफ का, तो उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक जिला जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो जिला सर्वेलेंस ऑफिसर भी है वो, और खुद में IGC ऑफिसर, तो हम सब का एक ट्रेनिंग हुआ और वहाँ पर तय हुआ में डायरेक्शन है कि 20 तक सारा स्टाफ जो है उनको प्रशिक्षित करना है, फ्रंटलाइन वर्कर उनमें आशा, हेल्थ वर्कर, हेल्थ सुपरवाइजर और मेडिकल ऑफिसर, और फिर बीच में साथ में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स। तो हमें तीन स्तरों पे काम करना है, पहला एक मरीज के लिए, दूसरा जो केयर गिवर है जो लोग सेवाएं देने वाले हैं, और तीसरा कम्युनिटी समुदाय का। तो जैसे कि देखा है कि पहला जो हमारा जितने भी केसेस आए हैं वो ट्रैवल से है, ट्रैवल से फिर लोकल केस नहीं था कोई भी, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही लोग इसमें घबराएं ना डरें। तो ये बीमारी जरूर महामारी घोषित हो गई 11 मार्च को WHO ने कर दिया, लेकिन इसमें हम प्रिकॉशन करें, हम बचाव की तरफ बढ़ें, हमें कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं। तो करना क्या है, इसमें कुछ बातें हैं कि जैसे हैंड वॉश है, हैंड वॉश में हम बोलते हैं कि इसमें सबको ट्रेंड किया कि सुमन के सीधा, उल्टा, मुट्ठी, नाखून, अंगूठा और कलाई, इनको सबको अच्छे से धोना है, तो ये चीजें उनको सिखाई, और लिक्विड सोप का ही यूज करें पहली बात। दूसरा, स्वास्थ्य संस्थान